हरे कृष्ण एवरीवन, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हो। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अभी इस समय बैठे हुए हैं एग्ज़ाम डेट के भरोसे, और ये रियलिटी है कि एग्ज़ाम डेट आने के बाद हम अपनी प्रिपरेशन को करेंगे। तो देखिए, ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं है, 24 पोस्ट के लिए आप यहाँ पर ये वैकेंसी गंवा देंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर रीज़न है। जैसे आपकी एग्ज़ाम डेट आई तो आपको कितना दिन का समय ये लोग देंगे, 15 दिन मैक्सिमम। क्या 15 दिन का समय इनफ है आपकी प्रिपरेशन के लिए? बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को प्रिपरेशन बना के चलनी है, क्योंकि और उसके बाद आपको कम से कम रिविज़न भी, मॉक भी लगाने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करने के बाद आपको रिविज़न भी करना है, समय इतना है नहीं। और हम देखें, अगर इस महीने कोई नोटिफिकेशन आता है तो नवंबर के मिड तक पेपर हो जाएंगे, और नवंबर के मिड तक कोई अगर नोटिफिकेशन आता है तो दिसंबर का स्टार्टिंग या नवंबर का लास्ट आपके पेपर हो सकते हैं। तो भला अगर देखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो दिसंबर नवंबर ये दो मंथ ऐसे हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अपडेट हमें ज़रूर मिल जाएगा। भले ही चीज़ें उससे पहले हो या उससे आगे हो, आपकी प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए। नोटिफिकेशन आपके हाथ में नहीं है, तो अपनी तैयारी बना के रखें। हम आपका आगे भी साथ देने वाले हैं। रिजल्ट तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। बने रहिए।